वाह, बहुत बढ़िया चना है। मलकिन लो चना खाओ, हमारे साथ रहो ना तो ऐसे ऐश कर वो ऐश। हमको नहीं खाना है आपका चना, आप ही करिए ऐश। अरे गजब हो गजब मलकिन, हैं? चना की महिमा तुम नहीं जानते। लो सुनो, अरे मेरा चना बना है उल जैसे गौ घाट का पुल। गाड़ी निकल पड़ी स्कूल, लड़के पहुंच गए स्कूल पर, गाड़ी हो गई थोड़ी लेट, टीचर लगाए दूधी पेट, चना जोर गरम। आपकी कविता, आपका ही ज्ञान ना आप अपने पास ही रखिए। आपके इसी सब के चक्कर में ना हम घर से बेघर हो गए। तुमको तो मौका चाहिए हमको गरियाने के लिए, जरा सा मौका मिला लगी हमको गरियाने। अरे मलकिनी, कोनो तरीका है हमसे बात करने? हम क्या गरियाएंगे, फिर हम तो अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं। देखो मलिका, बहुत हो गया चना खाना, बहुत हो गया मंदिर का प्रसाद खाना, अब चलो चल के माफी मांग लेते हैं। हम लोग माफी मांगेंगे और लोग माफ कर देंगे, हैं? अरे हम हाथ पैर जोड़ेंगे ना उनके, कहा नहीं माफ करेंगे। समधी जी बड़े दिल वाले हैं, हम लोग उन पर तरस खाकर हमको माफ जरूर कर देंगे। अच्छा मलकिन, तरस की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तरस में जियो। हम ना कभी तरस की जिंदगी जिए हैं और ना जिएंगे। तो आप कौन से खाद से जी रहे हैं? अरे भीख मांग रहे हैं एक तरीके से। हम नहीं जी सकते हैं ऐसे। आपको आदत होगी सड़क पे बैठ के दिन गुजारने की, हमको नहीं। मलकिन हम तुम्हारी तकलीफ सब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? अगर समझ रहे होते ना तो फिर कभी का माफी मांग लेते, सारा मामला ही रफा रफा हो जाता। लेकिन नहीं, आप तो कहते हैं ना खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे गेहूं, अब रहिए गेहूं। तुम नहीं समझ रही हो, अरे माफी तो मांग लें लेकिन अपनी इज्जत का क्या होगा? अब कौन सी इज्जत बाकी रह गई? इज्जत तो मिट्टी में मिल गई है। और एक बात जान लो मलिका, जब इज्जत और भूख की लड़ाई होती है ना तो वो लड़ाई में भूख जीत जाती है और इज्जत धरी की धरी रह जाती है। ये बात तो तुम पते की कह रही हो मलकिन। हम हमेशा पते की बात कहते हैं, पर आप कभी सुने तब ना, आप तो सिर्फ अपनी कहते हैं और अपनी ही सुनते हैं। हम आपकी मलकिन हैं, गैर नहीं। मलकिन तुम ऐसी बात काहे कह रही हो? कहो नहीं तो कहो, हमको कुछ समझते ही नहीं है। जब देखो हकाते रहते हैं, जो उन दिन मर जाएंगे ना तब कीमत समझिएगा हमारी। ए मलकिन, बकवास काहे कह रही हो? मैं जीने मरने वाली बात कहां से पैदा हो गई? देखो मलकिन, और अगर तुम गलती से मर भी गई ना तो जैसे सावित्री सत्यवान के प्राण के लिए उसके पीछे पीछे यमराज के पीछे भागी थी ना, हम भी यमराज के पीछे भागेंगे और तुम्हारी जान वापस लेके आएंगे। लेकिन साथ जिए हैं ना, साथ ही मरेंगे। अरे वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे और हम तुमसे बिछड़ के जिंदा रहें, खुदा ना करे। सोनी, आखिर कब तक पानी पी पी के अपना पेट भरती रहो? अरे तुमने खाना ना खाने की कसम खा रखी है क्या? तुम्हें जो समझना समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया ये कैसी जिद, खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। मेरी तबीयत की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी चिंता अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सोनिया प्लीज सागर, मेरा हाथ छोड़ो। सोनिया तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? क्यों मैं मेरे साथ ऐसा कर रही हो? ना तुम खाना खा रही हो, ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अच्छी तरीके से जानते हो इसका क्या मतलब है।
तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है मेरे मम्मी पापा के बगैर। सोनिया, जो कुछ भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। क्यों? तुम मेरे पति नहीं हो, मेरे पति होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती। अरे वो तुम्हारे मेन लॉस थे, अब ये रिश्ता भी मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। सोनिया, मुझे कोई रिश्ता याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अरे जितनी तकलीफ तुम्हें, जितना दुख तुम्हें उतना मुझे भी। तो फिर तुम उन्हें जाकर ढूंढते क्यों नहीं? अरे तुमने तो बस एक रट लगा रखी है, जाओ ढूंढ के लाओ। वो कोई बच्चे तो है नहीं जो मेले में खो गए, मैं जाऊँ और ढूंढ के ले आऊँ? हाँ, तुम सब लोगों ने तो हमें मरा हुआ मान लिया, लेकिन मैंने नहीं। मेरा दिल जानता है कि वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो वो तुम्हें बताते क्यों नहीं? तुम्हें खबर क्यों नहीं देते वो कहाँ है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बहन और मामा जी की वजह से कहीं छिपे हुए हैं, इसलिए वो इन लोगों के सामने नहीं आना चाहते। ना मेरे बहन या मामा जी की बात छोड़, उन्हें तुम्हारा भी ख्याल नहीं आया? कम से कम तुम्हें तो वो बता सकते थे ना कि वो जिंदा है। सागर, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पक्की बात है। ये सब बातें तुम अपने मन से गढ़ी। क्यों, उस रात तुमने भी तो मम्मी को देखा था ना? बोल, देखा था ना उन्हें? देखो सुनो, मैं तुम्हारे कहने पर उन्हें पहले भी बहुत तलाश कर चुका हूँ, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो जिंदा होते तो वो तुम्हें जरूर बताते, वो तुम्हारे बिना एक पल रह नहीं सकते। अच्छा, तो उस रात जिन्हें तुमने देखा था फिर वो लोग कौन थे? तो मुझे भी यही लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी का भूत ही था। कमाल, तुम भी अपने घर वालों की तरह बातें करने लगे, पढ़े लिखे जाहिल की तरह। अच्छा, एक तुम ही पढ़ी लिखी हो है ना? सोनिया, जरा मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे मान लेने से वो लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे। नहीं सागर, मेरा यकीन मत तोड़ो, मैं जी नहीं पाऊंगी। देखो सोनिया, मैं तुम्हें सिर्फ इस सदमे से बाहर निकालना चाहता हूँ। मरे हुए लोग किससे कहानियों में जिंदा होते हैं, हकीकत में नहीं। प्लीज ऐसी बात मत करो। सोनिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्यों ये झूठा भ्रम लेकर अपने आप को पागल कर? तक वो लोग हमारे सामने नहीं आ जाते, हमें उन्हें मरा हुआ ही समझना होगा। अगर तुम उनकी याद में रोना है तो एक बार रो लो, रोज रोज हर वक्त नहीं, समझी? मामा जी, मुझे आपसे शिकायत है। शिकायत है मुझसे? अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मामा जी, आप क्या यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं है नंदिनी की शादी के बारे में? हम सबके सामने बात हो चुकी है, तुमने सुना नहीं क्या कहा उसने? वो तो यूं ही टालने के लिए कुछ भी कह देती है, अब जो भी करना हम सबको मिलके करना। बात तुम्हारी सब सही है, लेकिन उसने बताया नहीं कि डीएम साहब किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हैं। अरे तो कोई और लड़का ढूंढिए, इतनी बड़ी दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ा है क्या? लेकिन कोई ऐसा लड़का मिलना भी चाहिए ना जो नंदिनी को पसंद आए। अगर उसकी पसंद से चले ना तो हो चुकी शादी, आप तो कहीं बात चलाइए बस। बात तो तब चलाऊं जब उसका शादी के लिए मन तैयार हो। फिर वही बात, नंदिनी का तो शादी के लिए कभी मन नहीं बनेगा। तुम ही बताओ ऐसे में क्या करूं? आप कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन नंदिनी को इस घर से विदा करके ही सबको खुशी मिलेगी। देखो बहू, अब विदा करने के चक्कर में अब किसी अरे गहरे किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकते ना। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर वो और इस घर में रहेगी ना तो उसका दम घुट जाएगा। वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन खोई खोई सी रहती है, गुमसुम सी रहती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसको कैसे खुशी दें। यहाँ रहने का फैसला तो उसी का है ना। इस घर में आपने उसकी हालत नहीं देखी मामा जी, किसी से कुछ नहीं कहती, वो पहले जैसी नहीं रही है। उसका एहसास तो मुझे भी है। मुझे लगता है डीएम साहब के फैसले से नंदिनी को सदमा पहुंचा।
वो बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन यही वजह लगती है मुझे। अब उनके बीच में ऐसा न जाने क्या हुआ। मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि कहीं और बात चलाइए, कोई और रिश्ता ढूंढिए जिंदगी के लिए, फिर उसे भी उसकी जिंदगी जीने का हक है। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही चाहता हूँ लेकिन। मामा जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे जाने से पहले नंदिनी का रिश्ता पक्का हो जाए ताकि हम चैन से जा सके, नहीं तो वापस लौट कर मेरा भी मन नहीं लगेगा। बहू पहले वो शादी के लिए हामी तो भरे, फिर ना कोई लड़का ढूंढेंगे। मामा जी, आप ही उससे बात करिए ना। ठीक है, वो है कहाँ? अंदर है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं मामा जी। तुम रो क्यों? पता नहीं, आज अपने आप बस यूं ही जी भर आया। पता नहीं क्या हो गया है तुमको, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारी आंख में तो कभी इतनी आसानी से आंसू आते नहीं थे। मेरी बहादुर बच्ची आजकल इस तरह से रो रही। पता नहीं बाबा जी आज। लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है। क्या? पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, न जाने किन उलझनों में उलझी हुई है और आजकल इस तरह अकेली रह रही हो तुम। अरे अकेली कहाँ हूँ मामा जी, घर में इतने सारे लोग हैं, शशि भाभी यहाँ आई हुई और घर का इतना सारा काम होता है, समय कहाँ कट जाता पता ही नहीं चलता। हाँ, समय इस तरह कट जाता है कि तुम्हें मुझसे बात करने का मौका भी नहीं मिलता, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है मामा जी। तुम हमसे भले ही झूठ बोलने की कोशिश करो लेकिन बोल पाती नहीं। बचपन से जानता हूँ तुम बहाना करती हो लेकिन पकड़ी जाती हो। अरे क्यों इस घर के बारे में सोचती रहती हो तुम? तो और कौन सोचेगा। अरे सागर है, इस घर का बेटा है। जिंदगी के बारे में नहीं सोच पाया, इस घर के बारे में क्या सोचेगा। अरे बेटा एक बार उसको सुपुर्द करके तो देखो। अरे कुछ नहीं होने वाला मामा जी, सिर्फ इस घर की बर्बादी होगी। तो तुमको इस बात की क्यों चिंता हो रही है? सागर है ना, वो इस घर को समझे, यहाँ की चिंता करे। और कहा भी जाता है ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे, वो चाहे बर्बाद करे इसको या संभाले, ये घर उसका है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी, अच्छी तरह आप जानते हैं कि माँ ने किस मेहनत से इस घर को बनाया है, और ऐसे ही छोड़ दो इसे। अरे तो तुम इस घर को संभालने में अपनी जिंदगी खराब कर लोगी क्या? सागर इस घर को संभाले या बर्बाद करे उस पे छोड़ दो तुम। आप कहना क्या चाहते हैं मामा जी? बेटा यही कि अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। अपने बारे में क्या सोचूं, ये घर मुझसे अलग है क्या? यही तो भूल है तुम। बेटियां घर आंगन की फसलें होती हैं, जो पकने के बाद किसी दूसरे के घर के आंगन की शोभा बढ़ाती हैं। ये घर तुमसे अलग थोड़ी है, लेकिन इस घर में तुम अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो यही सही, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं बेटा, जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगी ना तो तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी, वरना वो कहावत झूठी हो जाएगी। कौन सी कहावत? हर बेटी को अपना पीहर छोड़ के जाना पड़ता है, बेटियों का असली घर उसका ससुराल होता है, पीहर नहीं। किसके लिए खाना निकाल रहे हो तुम? तुम्हारे लिए। सूर्या तुमने कुछ भी नहीं खाया और अब मैं तुम्हें खाना खिला कर ही रहूंगा। प्लीज मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा इधर देखना, तुमने ऐसा क्या खा लिया जो तुम्हें भूख नहीं लग रही? सूर्या तुम जाके वहां टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। देखो मुझे इतनी मेहरबानी नहीं चाहिए, प्लीज। सूर्या के कब तक खाना नहीं खाओगे? जब तक मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं मिल जाते। अच्छा
तुम्हारे खाना ना खाने से वो वापस आ जाएंगे। ये तुम क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्यों नहीं मानते कि मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं। चलो मान लिया कि वो जिंदा है, ठीक है। अगर वो जिंदा है तो तुम उदास क्यों? तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? तुम तकलीफ तो तुम लोग मुझे दे रहे हो। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि मेरे मम्मी पापा जिंदा है, इसी दुनिया में है, इसी गांव में है कहीं। अच्छा तो अब तुम ज्योतिष भी बन गई, तो फिर मुझे ये भी बता दो कहाँ है, मैं अभी जाके ले आता हूँ उन्हें। कोई बेटी अपने माँ बाप के बारे में ऐसे मन कैसे बना सकती है? अरे उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ एक पुजारी के कह देने से तुम लोगों ने मान लिया कि वो जिंदा नहीं है। अरे गांव में भी किसी ने उन्हें नदी में कूदते हुए नहीं देखा। फिर क्या? चलो मान लिया वो जिंदा है, अगर वो जिंदा है भी तो सुनिए तुम उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जियो। मतलब ये कि वो जहां भी होंगे अपने से कमाएंगे खाएंगे। तुम इस घर में रहती हो, इस घर के बारे में सोचो, इस परिवार के बारे में सोचो, और तुम्हें अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना, हमारे साथ रहना, इस घर के साथ रहना। सागर चलो चलो मैं मान लेती हूँ, सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन एक बार मुझे पता तो चले कि मेरे मम्मी पापा है कहाँ, कैसे है वो। सोनिया अगर वो जिंदा है तो तुम्हें इस बात की खबर करनी चाहिए थी। क्या ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने इस खबर को बताने की जरूरत ही ना समझी हो? ऐसे कैसे हो सकता है, कोई माँ बाप अपनी बेटी से दूर कैसे रह सकते हैं? हो सकता है सोनिया, हो सकता है उन्होंने घर इसलिए छोड़ा ताकि तुम इस घर में बेटी की तरह नहीं बहू की तरह रहो और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा सको। रिद्धमा ये शैम्पू से डैंड्रफ जाता है? ऑफ कोर्स मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। आई डोंट बिलीव यू। अरे इट्स अ लीडिंग शैम्पू या आई ओनली यूज दिस। अच्छा अपने सर पे हाथ रख के बोलो। सवाल होता है पीआर नहीं तो मेरी वजह से कौन सी कहावत झूठी हो रही है? अरे लेकिन तुम समाज का नियम तो तोड़ रही। कौन सा नियम तोड़ा है मैंने समाज का? कोई नियम नहीं तोड़ा। फिर अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती, अपना घर बसाने के बारे में? अरे अपने साथ की लड़कियों को देखो, उनकी अपनी गृहस्थी है, अपना परिवार है। मैं भी उन लड़कियों की तरह ही हूँ मामा जी, मैं भी हमेशा यही चाहती थी कि मेरा भी घर बसे, मेरा भी अपना एक परिवार हो, एक पति हो जो ढेर सारा प्यार करे। मैं भी नहीं चाहती थी कि एक लड़की हमेशा अपने पीहर में पड़ी रहे। तो तुम इस दिशा में सोचती क्यों नहीं हो? मेरे सोचने से क्या होगा जब मेरी तकदीर ही मुझसे रूठी हुई है, जब ये सारी खुशियां मेरे नसीब में ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे किसने कह दिया कि तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठा हुआ? ये सब मन की बातें। अच्छा अगर ये सच नहीं है तो मेरे साथ जो कुछ भी बीता वो इतना कड़वा क्यों था? मैं जानबूझकर फिर से उस अंधेरे कुएं में नहीं गिरना चाहती। बेटा ये बात नहीं है। तो क्या बात है मामा जी? तुम खुद अपने आप से रूठी हुई, इस पीहर से इस तरह से जुड़ गई हो तुम, ये तुम्हारा जुड़ाव खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक कहा, लेकिन ये जुड़ाव तो हमेशा का है ना, तो इसका क्या करूं? जुड़ाव को अब यहीं खत्म कर दो, आजाद हो जाओ यहां से, और अपने आप को ना इस पीहर से आजाद करके अपनी जिंदगी जियो। अपनी ही जिंदगी तो जी रही हूं मामा जी, क्या ये जिंदगी उधार की है? अरे ये भी कोई जिंदगी है क्या? क्यों? ये कैद है, कैद। तुमने खुद को इस घर के भीतर कैद कर लिया है। बेटा इस घर की परेशानियों से बाहर निकलो, इस घर की परेशानियों में उलझने की अब कोई जरूरत नहीं। अगर मैं इस घर के बारे में नहीं सोचूंगी तो इस घर का क्या होगा? पीहर प्रायोजक नया फैसला।